स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक शॉर्ट टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर का यूज़ बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। सिंस और फॉर दोनों का मतलब होता है से, यानी जहाँ भी सिंस यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा, उसके बाद टाइम का मेंशन किया रहेगा, चाहे वो 10 साल रहे, 10 दिन रहे, 10 महीना रहे, सोमवार से रहे, मंगलवार से रहे, 1947 से रहे, 1950 से रहे, फरवरी से रहे, मार्च से रहे, अगस्त से रहे, यानी किसी प्रकार का वो समय मेंशन किया रहता है। लेकिन एक बात और, फॉर का मतलब एक और होता है के लिए। प्रीपोजिशन में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे आपके लिए फॉर यू, मेरे लिए फॉर मी, एक्सेट्रा। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका तैयार हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि इसका एग्जैक्ट यूज़ कैसे होता है और इसकी बारीकी को समझेंगे तो कभी भी इसका कॉन्सेप्ट निकलेगा नहीं, कभी भी कन्फ्यूजन आएगा नहीं। सिंस का डेफिनेशन अगर देखते हैं हम लोग, तो सिंस इज यूज टू शो द एग्जैक्ट टाइम, या इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। यानी एग्जैक्ट टाइम कहने का मतलब है कि सटीक समय। ये हमेशा जहाँ पर सटीक समय की बात हो रही हो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर बात करते हैं हम फॉर की बात करते हैं, तो ये जो है हमारा, ये फॉर इज़ यूज टू शो पीरियड ऑफ टाइम, या इसको हम ड्यूरेशन, अवधि, ये एक अवधि को बताता है, एक ड्यूरेशन को बताता है, एक सटीक, यह सटीक टाइम नहीं बताता है, समझ सकेंगे। अब सटीक टाइम क्या होता है और एक अवधि क्या होता है, इसमें जब जैसे ही आप समझ लीजिएगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है। तो आते हैं एग्जांपल्स पे। तो फ्रेंड्स, समझते हैं इसे हम एग्जांपल्स से। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर सिंस लिखा है और सिंस के नीचे मैंने लिखा है संडे। यानी संडे से हमको पता चलता है कि ये संडे से कोई काम चल रहा है या होता रहा है या होता रहा था। मंडे भी वही, एक सटीक हमको डेट, मतलब डे पता चलता है, एक दिन का नाम पता चलता है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनवरी, अगर हमको मंथ का यहाँ पर नाम है जनवरी, यहाँ से हमको पता चलता है कि एक खास मंथ का नाम जो दिया हुआ, एक समय का नाम दिया हुआ, प्रॉपर नाम दिया हुआ है, तो हम इसको सिंस के कैटेगरी में रखेंगे। और भी दूसरे मंथ्स के नाम हो सकते हैं, मार्च भी हो सकते हैं, अगस्त भी हो सकता है, सितंबर, कुछ भी रहे, तो आप सिंस का यूज करेंगे समय से पहले। एग्जांपल में मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे का नेम रहेगा, आप सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टेट, जो हमारी अवस्थाएँ होती है, एक चाइल्डहुड होता है, यंग एज होता है, ओल्ड एज होता है, वहाँ पर भी आप सिंस का यूज़ करेंगे, यानी सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद आते हैं हम लोग 1987, जहाँ पर ईयर का प्रॉपर नंबर दिया हो, ईयर जैसे 2011, 2021 अभी जो चल रहा है, 1987, 1931, इस प्रकार का अगर ईयर, तो आप बेहिचक सिंस का यूज़ करेंगे। और एक बात और, ये सिंस जो है ये आपका विदाउट सेंटेंस भी यूज हो, यानी इसका मतलब हुआ कि ये कंपनी, जो भी कंपनी पर मेंशन होगा ये, यानी इसका मतलब हुआ कि ये कंपनी 1801 से चलती आ रही, यानी सिंस का यूज़ आपको सीधे सीधे भी मिल सकता है, सीधे सिंस लिख करके ईयर मेंशन रहेगा, तो उससे आप समझ में आ जाएगा कि आपका जो है ये जो भी कंपनी है वो उस समय से चलती आ रही। अब बात करते हैं फॉर की, बात करते हैं फॉर में मैंने लिखा 10 डेज, लेकिन ये तो पता नहीं चल रहा है कि कौन से दिन से, ट्यूसडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, मंगलवार से, सोमवार से, बुधवार से, किसी दिन से पता नहीं चल रहा, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। 5 डेज, 15 डेज, 31 डेज, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मंथ्स, मंथ्स में तो पता नहीं चल रहा है, अगस्त से, सितंबर से, दिसंबर से, ये नहीं पता चल रहा है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। जहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता, यहाँ पर सिर्फ हमको पीरियड पता चल रहा है, अवधि पता चल रहा है, ड्यूरेशन पता चल रहा है, जहाँ पर ड्यूरेशन सिर्फ पता चले वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, और जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का पता चले, नाम पता चले, समय का नाम प,
पता हो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। फिर मैंने लिखा 50 ईयर्स, पता तो नहीं चल रहा है कि 1911-31 से या 2009 से या किसी भी ईयर का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, सीधे पता चल रहा है कि 50 वर्षों से, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। ये 14 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ड्यूरेशन में होगा, नाम नहीं होगा इसका। उसके बाद 24 आवर्स, पता तो नहीं चल रहा है कि ये कितने बजे से चल रहा है, 10 बजे से, 12 बजे से। और एक बात मैं भूल गया, यहाँ पर 10 ओ क्लॉक सिंस वाले कैटेगरी में ही हम इसको यूज़ करेंगे। जहाँ भी 10 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक रहे, 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, तो आप सिंस का यूज़ कीजिएगा। ये सिंस वाले में ही आता है, बाकी फॉर वाले में आएगा 24 आवर्स, 5 आवर्स, इस तरह से तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो एक दो सेंटेंस पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये जनरली आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज कि फॉर का यूज़ वही रहता है जो फॉर का यूज़ मैंने बताया, लेकिन सिंस का यूज़ चेंज हो करके फ्रॉम में चला जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य हो तो आप जहाँ पे सिंस का यूज़ मैंने सिखलाया है वहाँ आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का यूज़ एज यूजुअल करेंगे। तो आते हैं एक दो सेंटेंस पर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो समझते हैं, सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है, शी हैज़ बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बताना भूल गया था, ये मॉर्निंग रहे, इवनिंग रहे, आफ्टरनून रहे, तो भी हम सिंस का यूज़ करेंगे, नोट कर लेना है। उसके बाद है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मॉर्निंग का जो समय होता है वो एग्जैक्ट होता है, तो इसीलिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 10 o'clock, यानी इसमें हमको समय का पता चल रहा है कि हाँ 10 बजे से वो खेल रहा है, 10 घंटों से नहीं। अगर 10 घंटे की बात होती तो पता ही नहीं चलता कि कितने बजे से वो खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर 10 बजे से पता चल रहा है कि वो 10 बजे से खेल रहा था। इसके बाद है अगला जो हमारा एग्जांपल है, यू हैव बिन टीचिंग मी फॉर 10 आवर्स, यानी 10 घंटों से तो आप मुझे पढ़ा रहे हैं, लेकिन कितने बजे से पढ़ा रहे हैं ये क्लियर नहीं है। तो जहाँ पर समय क्लियर नहीं हो वहाँ पर आप आँख मूंद करके फॉर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने फॉर का यूज़ किया। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है आपका, मोहन विल हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2026। अब यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है, फॉर का यूज़ एज यूजुअल रहता है, बस सिंस जो होता है वो फ्रॉम में चेंज हो जाता है। तो समझेंगे यहाँ पर कि मोहन विल हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2026, यानी 2026, यानी मोहन अभी तो 2021 चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 5 साल बाद जो है सो स्कूल ज्वाइन करेगा, इसलिए यहाँ पर जो है सो ये सिंस जो है वो फ्रॉम में चेंज हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आई हैड बिन हेल्पिंग यू सिंस 1998, तो मैंने बताया था कि जहाँ पर ये ईयर का नाम मेंशन किया हो वहाँ पर आँख मूंद करके सिंस का यूज करते हैं, और ये सेंटेंस नहीं भी रहेगा, ऐसे भी आप देखिएगा कहीं भी तो यूज़ किया रहता है सिंस 1901 जो भी है, उस कंपनी की जब स्थापना हुई रहती है तभी उसको मेंशन किया जाता है। उसके बाद अगला जो है हमारा लास्ट एग्जांपल है, सोनू हैज़ बिन आस्किंग द क्वेश्चन फॉर 3 months, यानी सोनू जो है वो 3 महीनों से लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो कौन से महीनों से पूछता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। तो आई होप कि आप सभी को ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।